आप शूट पर आए हुए हैं, सबसे पहले क्या शुभकामनाएं देंगे पूरी टीम को? मैं बहुत दिल से शुभकामनाएं दूंगा टीम को, और चूंकि मैं भी मतलब अवधी भाषा पे काम किया है मैंने फिल्मों में, तो अवधी और भोजपुरी बहुत ही कहते ना शैलियों जैसी भाषाएं हैं दोनों ये, तो ये भी एक भाव मेरे मन में इस फिल्म के मुहूर्त में आने के लिए हुआ कि ये भी एक भाषा है जो हमारी अवधी से जुड़ी हुई है। प्लस क्या है कि अखिलेश सिंह जो है वो हमारे संपर्क में है कुछ दिनों से, और मैं काफ़ी प्रभावित हूँ इनसे। अखिलेश जी जो काम वाम करते हैं काफ़ी दिल से शिद्दत से करते हैं, तो इसलिए मैं मुहूर्त में शुभकामनाएं देने आया हूँ कहते हुए, और मुझे अभी मिलना बाकी लोगों से हो रहा है। राज मिश्रा जी जो निर्माता हैं इस फिल्म के, मेरी इनसे भी बात हुई, तो आज पहला दिन है फिल्म का और बहुत ही अच्छी एक साफ़ सुथरी शानदार एक फिल्म बनाएं, और इससे क्या है भाषा भी प्रमोट होगी और एक अच्छा एंटरटेनमेंट लोगों को मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। आप किस नज़रिए से देखते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए क्या है, जो चेंजेस हर तरफ आए हैं वहाँ भी आए हैं, और वो चेंजेस कहीं बच भी नहीं पा रहे हैं, मतलब इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि सब्जेक्ट के लेवल पे या एंटरटेनमेंट के तरीकों पे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा होने लगा है कि थोड़ी उसकी जो एक अपनी जो वैल्यू थी सिनेमा की, वो थोड़ी थोड़ी कभी ऐसा लगता है हिली हुई है। मतलब मुझे भी लगता है, सबको लगता है। बेसिक वो जो विषयों के लिए भोजपुरी सिनेमा पहले जिसने अपनी जगह बनाई है, वो नैहर की चुनरी जैसे विषय थे, मतलब कहते हुए आज बदलाव में चीज़ें बदली हैं, लेकिन थोड़ा विषय की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहानियों में मनोरंजन भी हो, लेकिन साथ साथ में थोड़ी बातें और हमारे कल्चर की भी होती रहे। म्यूजिक में भी, म्यूजिक को लेकर के ना तेज़ी से पॉपुलर म्यूजिक बनाने के चक्कर में भी काफ़ी रेस सी लगी हुई है कि कोई गाना किसी भी तरह से हिट हो जाता है तो लोग वैसा कुछ करने लगते हैं। सब तरफ ही हो रहा है, लेकिन नए मेकर्स जो हैं जैसे अखिलेश सिंह हैं और हमारे राज मिश्रा जी हमारे निर्माता हैं जो इस फिल्म से अपने बैनर की से शुरुआत कर रहे हैं इस फिल्म को, मैं कहना चाहूँगा मेकर्स की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को देखें कि उनका अपना कल्चर क्या है और सिनेमा किस वजह से जाना जाता है, वो वजह थोड़ी सी बना के रखी जाए, ऐसा मेरा कहना है। मतलब जी क्या आपने कोई भोजपुरी फिल्म रिसेंट में कोई भोजपुरी फिल्म देखी है? देखिए क्या है कि मैं बहुत गहरा जुड़ा रहता हूँ सब चीज़ों से, तो मैं सब तरफ रखता हूँ अपने दिल दिमाग को, क्योंकि आगे लेखक उसकी ज़रूरत होती है, तो मैं थोड़े थोड़े रंग सब देखता रहता हूँ, और काफ़ी सारे एक्टर मेरे मित्र हैं, बाकी आजकल तो सब कुछ देख ही रहे हैं। आपकी फिल्म आ रही है दबंग 3 सलमान जी के साथ में, फिल्म के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए दबंग जो है अगेन 3 दबंग है, तो दबंग जैसी है, और जो सलमान खान से लोग देखना चाहते हैं, जो जिसको देख के उन्हें आनंद आता है, वो पूरा आनंद उन्हें दबंग 3 में मिलेगा, और मैं कहूँगा कि बाकी 2 से ज़्यादा मिलेगा इसमें। तो बाकी वो एक फिल्म है जिसमें मस्ती है, गाने हैं और शानदार एक्शन है, और इसमें प्लस ये है कि एक डायरेक्टर प्रभुदेवा जुड़ गए हैं, जिनका भी एक उनका भी एक अपना इम्पैक्ट फिल्म में बहुत शानदार दिखेगा, तो मुझे लगता है दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज आ रहा है तोहफे जैसा, और दर्शक इसे कबूलेंगे एक बार और। फिल्म में सही इंट्रोड्यूस की जा रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसी एक्ट्रेस है वो, आपने उनका काम देखा होगा, क्या कहते हैं बहुत, बारे में? एक लाइन में बहुत 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 अच्छी, एक लाइन में बहुत 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 अच्छी, मतलब उन्होंने बहुत ही समझदारी से और बड़े मतलब ये काम करने के तरीके में ये नहीं रहा कि कोई पहला काम इस तरह का, इतना बड़ा काम वो कर रही हैं, तो चूंकि वो फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का है, उस कल्चर में वो बड़ी हुई हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कैरेक्टर निभाया है अपना, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जी सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में 3 एक्टर काफ़ी पॉपुलर है, खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी। खेसारी जी हाल ही में बिग बॉस में गए हुए हैं, सलमान जी से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बात हुई, आपने देखा होगा, आपको लगता है खेसारी जी बिग बॉस जैसे शो में ज़्यादा काफ़ी टाइम तक टिके रहेंगे? नहीं, इस पर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और अपना उनको भी नहीं पता होगा कब तक टिके रहेंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या वो बड़ा वो शो ना एक खेल जैसा है, और वो एक उसकी अपनी एक गणित है, तो उसके साथ साथ चला नहीं जा सकता है वहाँ पर, कब कौन क्या कर रहा है वैसा है, और बाकी वहाँ पर क्वालिटी डिसक्वालिटी जिस वजह से आगे पीछे लोग करती हैं वैसे ही रिजल्ट आ जाएंगे, तो वहाँ गेस करना मुश्किल है वहाँ पर। क्या लगता है, आपने कुछ गेस किया तो बताओ, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है, कब तक टिके? अच्छा आप भी बता दो,
नहीं अभी तो उनका एक या दो ही दिन हुआ है, हाँ अब क्या कह सकते हैं। नहीं मैं कह सकता हूँ कि उनके अंदर ना एक उनकी पर्सनालिटी में ना खास तरह की प्योरिटी है ना, मिट्टी से जुड़े हैं उनका पूरा, तो मुझे लगता है वो प्योरिटी ना उनकी वर्क कर सकती है उन्हें कहीं स्टैंड करने के लिए, क्योंकि ना प्रभाव अच्छा छोड़ते हैं वो, नहीं प्रभावशाली हैं भी छोड़ते नहीं है। हाँ जी जी, थैंक यू।